खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव आयोग की आजम खान पर कार्रवाई, जयप्रदा पर विवादित बयान पर एक्शन लेते हुए 72 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। आजम खान पर रामपुर में अफसरों पर विवादित बयान देने पर भी केस दर्ज, अफसरों से जूते साफ करवाने की बात कही थी। बीजेपी की सुल्तानपुर में उम्मीदवार मेनका गांधी की रैली और इंटरव्यू पर आज सुबह 10 बजे से लेकर अगले 48 घंटे के लिए चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है। मेनका गांधी पर सुल्तानपुर में रैली के दौरान मुस्लिमों के वोट न देने पर धमकाने का आरोप है। इसके बाद कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मेनका गांधी पर बैन लगाया। बीएसपी प्रमुख मायावती पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। चुनाव आयोग के बैन के बाद मायावती की गुजरात में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के बलि और बजरंग बलि पर दिए बयान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, 72 घंटे तक नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के 3 दिन के बैन के दौरान सीएम योगी यूपी के अलग अलग हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकते हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का आरोप, बीजेपी और पीएम मोदी के आदेश पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। मुलायम सिंह यादव को हाईकोर्ट से झटका, आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा। यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी की तस्वीर वाली रेलवे टिकट बांटे जाने पर चुनाव आयोग सख्त, 2 रेलवे कर्मचारी निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राफेल पर हमारे फैसले को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी ने राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया, 1 हफ्ते में मांगा जवाब।